आज मैच था ईस्ट बंगाल वर्सेज ओडिशा एफसी के, दिस इज बिग मैच बिटवीन द बोथ द टीम्स एंड जिस तरीके से बड़ा मैच था उस तरीके से टीम ने परफॉर्म भी किया। बोथ द टीम्स आर प्लेड वेरी वेल एंड जिस तरीके से मैच चला, फर्स्ट हाफ में एक गोल आया जो कि आया ओडिशा एफसी की तरफ से, जो कि किया आपके डियागो मारिगो ने। डियागो मारिगो ने काफ़ी शानदार गोल किया जो कि फर्स्ट हाफ में किया था। 45 मिनट्स में 1-0 से आगे चल रहा था आपका टीम जो कि उड़ीसा एफ से चल रहा था, बट अगेन सेकंड हाफ में कुछ अलग ही लिख के आए थे। नंद कुमार शेखर ने एक गोल किया जो कि ईस्ट बंगाल की तरफ से आया, और जो जहाँ ऐसा लगा कि यार काफ़ी कुछ हो चुका है मैच में, किस तरीके से चल रहा है मैच। और वहाँ पर फिर एक गोल आया फिर से जो कि आया आपका ईस्ट बंगाल की तरफ से। ईस्ट बंगाल ने वहां पर फिर से गोल किया जो कि गोल किया था दोस्तों आपके जो कि क्लिंटन सिल्वा ने किया था। दो गोल हुए वहां पर, और यहां से लगा कि यार टीम इस मैच को आराम से इजीली जीत के जाएगी और इजीली मैच लेके जा सकती है, बट वहां पर फिर एक सबसे बड़ी गलती हुई जो कि एक हुई पेनल्टी शूटआउट में। वो जो पेनल्टी शूटआउट जीता था वो जीता था आपके डियागो मारिगो ने। डियागो मारिगो ने एक अच्छा पेनल्टी शूटआउट जीता, और उस पेनल्टी शूटआउट पे उन्होंने मैच को 2-2 से टाई कर दिया, और 2-2 से टाई हो गया मैच, और 2-2 से टाई हुआ। उसके बाद में अहमद जहूर ने पेनल्टी शूटआउट दिया था बाय द वे, तो अहमद जहूर के पेनल्टी शूटआउट पे मैच 2-2 पे ड्रॉ हो गया। फिर 15-15 मिनट का दोनों टीमों को एक्स्ट्रा टाइम मिला, तो 15 मिनट का पहले एक्स्ट्रा टाइम भी ड्रॉ रहा, 2-2 से ड्रॉ रहा दोस्तों उसमें वो भी। फिर ऐसा लगा कि यार अभी मैच कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा, बट अगेन एक अच्छा कमबैक किया क्लिंटन सिल्वा ने। क्लिंटन सिल्वा ने एक अच्छा गोल किया, उस गोल पे उन्होंने गोल करके वहाँ से ये मैच 3-2 से ये मैच जीता है आपकी जो कि ईस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल डेफिनेटली ए हेड था स्टार्टिंग से, अच्छा खेल रहा है टीम, नो डाउट अबाउट दैट, बट यार टीम की तरफ से बनता है कि यार टीम ने किस तरीके से परफॉर्म किया आज के मैच में। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रहा मैच, और उम्मीद करेंगे कि इस तरीके के मैचेस आगे भी खेलती रहेगी टीम। और कलिंगा सुपर कप का न्यू विनर अब निकल के आया दोस्तों कि ईस्ट बंगाल कलिंगा सुपर कप का नया बादशाह है, और नया बादशाह तो बनता है दोस्तों क्योंकि नया बादशाह इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके की टीम ने किया आज के मैच में काफ़ी शानदार था। होपफुली इंजॉय दिस मैच एंड कम बैक विद अस आईएसएल मैचेस दोस्तों, हम आईएसएल मैच में आपके वापसी जुड़ेंगे।